पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जताई साहब हक एड़ी जरूरत पेश आई जो एम क्यू के भेरो पीयर सिंध हुकूमत में पेश थे आज कर छी है वह आज एम क्यू रद्द कर सो सियासत में कभी भी दरवाजा बंद न हों सियासत में जो इशू हों को माहौल ठहसी जी भी सियासतदान हों उन सलाह मशवरों जरूर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मुल्क की बेहतरी के लिए सूबे की बेहतरी के लिए सभी से हमेशा गलाया कोलेशन गवर्नमेंट भी हलई अं तो उनके वो एक्सपीरियंस है जी इशूज आन बर्निंग इशूज आन उनके अस कूँ आगा साहब चव वक्त मुल्की सूरत हालात कड़े तरफ वन पा हर शेरोजगारी महंगाई है वही दिसो नैब आने मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस पेश कन जेल में विझन नैब जो सवाल माखो तो ना कयो ना गाल यह दिसो एहतसाब थन खपे सभी जो ये न्याय तो न थे पर एहतसाब तुट का अड़ी साबती हो तो एहतसाब कर बाकी असा जाती करण जो है बो दफो नैब अरेस्ट किया अ कुछ को मिलो थोड़ा मीडिया ट्रायल मुझी क्यों अल्लाह साईं जी मेहरबानी तीन दोस्त जो दुआं सारी मुझी बरादरी जो दुआं मुझी पार्टी मसा गड आया चेयरमैन साहब जरदारी साहब अजी फरियाद साहबा उसे असा गड आन तो उन हिम्मत जारा ही अस फेस किया इंशाल्लाह तां बेल जी जजमेंट पढ़ो तो उनमें तां केस नजर ही नहीं तो मुल्की सूरत थोड़ी कन्फ्यूजिंग है इन कर भी हाँ ताज़ो ताज़ो निकतो आ जेस तीन जरा एडे ओडे ऐसा क्या पे थे पर हालात कन्फ्यूजन अजा तीन का खबर को पे अस बेहतरी दे वेंदासे असांजी पार्टी भी बेहतरी दे वेंदी जाते भी पाकिस्तान की बेहतरी समझदे सूबे की बेहतरी समझदे अस उन लाइन से हल्दे जी पार्टी की पॉलिसी आ सर ये बताएं कि मुल्की सूरत हाल जिस तरह से महंगाई की भेंट में चढ़ताई चला जा रहा है आप हमेशा पीपल्स पार्टी वफाक की मुखालफत कर रही है तो इसमें अवाम का क्या कसूर है अवाम के कोई काम नहीं हो पा रहे और आप लोगों के ये नेब के मामलात और उसके साथ साथ ये एनआरओ के नाम पर आसिफ जरदारी को छोड़ दिया गया इस मामले पर कोई एनआरओ पे आसिफ जरदारी साहब को किसी ने नहीं छोड़ा है उनकी मेरिट पे हेल्थ बेसिस पे उनकी हुई है अपना बेल हुई है अदी फरियाल टालपुर साहिबा की और सब मेरिट पे हुए हेल्थ ग्राउंड पे इसमें कोई एनआरओ की बात नहीं है ना कोई ऐसी डील की बात है अब ये लोग जो हमारे मुखालफ जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं सही बात है नहीं मुल्क की सूरत हाल मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग भी तो रोड पर होते हैं ना 24 घंटे तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि मुल्क में क्या हो रहा है अब हमारी तो कोशिश है कि इस मुल्क की बेहतरी हो हम अपना मुल्क को बचाएं तो जो भी बेहतरी होगी हमारी पार्टी उसमें पॉलिसी अनाउंस करेगी अच्छा सर पीपल्स पार्टी ब भेरा हुकूमत में रही टों भेरों हुकूमत करे पी कड़ी जरूरत महसूस थी है जो पीपल्स पार्टी इन भेरे जो का पूरे सिंध में जिले हेडक्वार्टर में जिले जो आई इतने कचहर कम इतने खोड़ कचहर क्यों हर डिस्ट्रिक्ट में वेंद असेंजे मोहतरमा शहीद के चवण से यह पीपुल्स पार्टी की पॉलिसी आ हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिस्टर वन आवाम जो जो दुख सूर आ बुधी उनके रिजॉल्व कर अगर साहब भला हालात सूरत बर्फ हुई जमल हुई हाँ पगर से पी टाइम पीपुल्स पार्टी आगे पीटीआई बीच में कुछ गाल थियं कुछ माना माहौल को खुशगवार माहौल में सियासी वाले से वहीं पर या सागी जाए थे बर्फ दाने करे भी मते नॉर्दर्न एरिया में मी भी वैसे पे बिल्कुल पानी जे को उतर के अच्छा आप ये बताइए कि अब बलदियाती इलेक्शन का भी जमानत है और सारा एंड हो रहा है क्या समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद होगा या इस हवाले से कोई रोड़े अटका है देखें आप फेडरल गवर्नमेंट से पूछें ना मेरा तो उनसे वास्ता है नहीं मेरा तो वास्ता असेंबली से है मैं लेजिस्लेशन करता हूँ और मेरी पोस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है मेरी एग्जेक्टिव पोस्ट नहीं है तो मुझे क्या पता ये लोग क्या ऊपर बैठ के सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं पर हम ऑब्जॉर्व करते हैं सियासी पार्टी से वाबस्तगी है तो थोड़ा बहुत सोचते हैं अब इनको अगर मुल्क चलाना है तो सबको मिलजुल के जब तक साथ नहीं लेंगे मुल्क के लिए बड़ी डिफिकल्टी सर जीटीए तरफा जो इलेक्शन में पार्टी से मुकाबला